सब वाले भाई कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको कैमरे के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि गाइस आज के टाइम पे हर कोई अपने फोन से फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, रिकॉर्डिंग करता है। काफी सारे लोग फोन से अच्छे वीडियो नहीं बना पाते हैं, फोटो अच्छे खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि गाइस उनको कैमरे के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है और वो इनको यूज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप यूज करके आप प्रो लेवल का फोटोग्राफी अपने फोन से कर सकते हो, अच्छा वीडियो बना सकते हो, अच्छा फोटो खींच सकते हो। सिर्फ आपको अपने कैमरे में कुछ सेटिंग करना है, फीचर्स को यूज करना है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके फोन का जो कैमरा है वो काफी अच्छा होता है, काफी जबरदस्त होता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे फोटो नहीं खींच पाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में जान लोगे तो आप बहुत ही इजीली अपने फोन के कैमरे से अच्छी फोटोग्राफी कर पाओगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी जबरदस्त है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे गाइस मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताता हूं, ठीक है, कि कैसे आप अपने फोन के कैमरे से प्रो लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर हम कैमरे को ओपन करते हैं। गाइस काफी सारे लोग जब फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट को लॉक नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमें इसका फोटो खींचना है, तो सिंपली गाइस आपको ऑब्जेक्ट को लॉक करना होगा, नहीं तो आप जब इस तरह अपने कैमरे को हिलाओगे तो दोस्तों आपका जो फोटो है वो सिमटा हुआ आएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब आप एक बार ऑब्जेक्ट को लॉक कर दोगे तो दोस्तों जो आपके फोन का कैमरा है उसी पे फोकस करेगा और जब आप फोटो खींचोगे तो काफी क्लीन फोटो आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन पे लॉन्ग टच करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको लॉक करना है, ठीक है, तो हम इस पे लॉन्ग प्रेस करते हैं यानी टच करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, इस तरह फोटो खींचते टाइम पे ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो। अब आप चाहे जितना भी फोन के कैमरे को हिलाओगे दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, और जब हम फोटो खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर आएगा। इस तरह आप ऑब्जेक्ट को लॉक करके फोटो खींच सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा ट्रिक है कि कैसे हम किसी मूवमेंट का फोटो कैप्चर करें। ठीक है, काफी टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज गिर रहा है या फिर कोई चीज जा रहा है, ठीक है, और हमें उसी मूवमेंट को कैप्चर करना है, क्योंकि गाइस जब हम इस पे बार बार क्लिक करते हैं तो एक एक फोटो कैप्चर होता है। ठीक है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो टाइम लग जाता है, वो मूवमेंट कैप्चर नहीं हो पाता है। ठीक है, सिंपली आपको यहां पे लॉन्ग टच करना होगा। दोस्तों आप कुछ सेकंड में 20 फोटो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का फोटो हमें कैप्चर करना है हवा में उछाल के। ठीक है, इसको हवा में उछाला और यहां पर लॉन्ग टच कर दिया। इस तरह आप यहां पर देख सकते हो कुछ सेकंड में 20 फोटो यहां पर कैप्चर हो चुका है। आपको सिंपली फोटो को ओपन करना है, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो 20 फोटो, जो भी फोटो ठीक है आपको उस फोटो को सेव करना है, बाकी सबको डिलीट कर देना है। इस तरह गाइस आप अपने फोन के कैमरे से किसी भी मूवमेंट का फोटो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, एक क्लिक में आप 20 फोटो कैप्चर कर सकते हो। जो भी फोटो अच्छा है, ठीक है, तो सिंपली आपको उस पर इस तरह क्लिक करना है, इसके बाद इस पे ओके पे क्लिक करना है। अब गाइस ये जो फोटो है ये सेव हो जाएगा, बाकी सारे फोटो डिलीट हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों आप स्मार्ट फोटोग्राफी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अपने फोन के कैमरे में कुछ सेटअप भी करना है। आपको यहां पे एक HDR का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, काफी सारे लोग फोटो कैप्चर करते टाइम पे, फोटो खींचते टाइम पे HDR मोड को इनेबल करके नहीं रखते हैं। सिंपली आपको HDR मोड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहां से इसको ऑन कर देना है। ठीक है, आपको इस चीज का हमेशा ध्यान देना है कि जब आप अपने फोन के कैमरे से फोटो खींचो HDR मोड ऑन होना चाहिए। इससे गाइस फायदा यह होगा कि जब आप फोटो खींचोगे तो आपका जो फोटो है वो HD में क्लिक होगा। ठीक है, जितना भी आप जूम करोगे आपका फोटो फटेगा नहीं। जैसे यहां पर हम एक फोटो क्लिक करते हैं, यहां पे हमने फोटो खींच लिया, ठीक है, HDR मोड में। अब हम इसको जूम करते हैं, आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह गाइस आप HD फोटो क्लिक कर सकते हो अपने फोन के कैमरे से। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे। ठीक है, काफी टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने गए होते हैं, वहां पे फोटो खींचते हैं, बाद में जब हम उस फोटो को देखते हैं
तो दोस्तों हमें याद नहीं होता है कि ये फोटो हमने कहां पे क्लिक किया था, कहां पे खींचा था, ठीक है। तो सिंपली आपको इस लोकेशन वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जब आप इस लोकेशन वाले ऑप्शन को ऑन करोगे, यानी इस फीचर को ऑन करोगे दोस्तों, जब आप फोटो खींचोगे तो आपके फोटो पे लोकेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आप बाद में उस फोटो को ओपन करोगे, फोटो को देखोगे, तो लोकेशन वहां पे शो होगा। जैसे यहां पे हमने लोकेशन को ऑन कर दिया, ठीक है, अब हम फोटो खींचते हैं। जैसे यहां पे ये वाला फोटो हमने खींच लिया, ठीक है, हमने यहां पे फोटो खींचा। आप यहां पे देख सकते हो टाउन खमरिया, यानी ये जो फोटो है हमने खमरिया में खींचा है, ठीक है। इस तरह गाइस आप फोटो में लोकेशन को ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इस फीचर को, इस सेटिंग को तभी ऑन करना है जब आप कैमरा को यूज करो, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको ऑन करोगे तो आपके फोन का जो जीपीएस है वो ऑन हो जाएगा और आपके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी से ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। आप कैमरे को यूज करते टाइम पे ही इस फीचर को यूज कीजिए, फिर बाद में आप इसको ऑफ कर देना, ठीक है। तो इस तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस जब हम सेल्फी लेते हैं, ठीक है, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो फिंगर है वो यहां पे पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उनका जो स्क्रीन है वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब सेल्फी लेने लगते हैं तो हमारा फिंगर यहां पे पहुंच नहीं पाता है और हम अच्छे से सेल्फी नहीं ले पाते हैं। इसके लिए गाइस आपको यहां पे सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पे शूटिंग मेथड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पे सेकंड वाला ऑप्शन शो प्लैम, ठीक है, आपको ऑन कर देना है। अब आपको सेल्फी लेते टाइम पे सिर्फ आपको यहां पे अपना फिंगर दिखाना होगा, ठीक है, आपका जो सेल्फी है वो कैप्चर हो जाएगा। जैसे यहां पे हम फ्रंट कैमरे को ओपन करते हैं, यहां पे हमने फ्रंट कैमरे को ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हम दिखाते हैं, देखो अब हमारा जो सेल्फी है वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे पास से हम करें इस वजह से आ नहीं रहा, ठीक है, मैं दूर से करता हूं, फाइव फिंगर, शायद यहां पे मैं पास से कर रहा हूं इस वजह से आ नहीं रहा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी भी नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जो फीचर है ये काफी जबरदस्त फीचर है, ठीक है। अभी तो यहां पे कैमरे के सामने पास होने की वजह से कैप्चर नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना ये पंजा दिखाना है, आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको और भी काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो रेजुलेशन का, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां पे गाइस जितना भी मैक्सिमम रेजुलेशन हो, ठीक है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो 4K का ऑप्शन है, तो हम इस पे टिक कर देते हैं। आपको मैक्सिमम रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिससे गाइस जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो काफी क्लीन होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितना मैक्सिमम यानी हाई रेजुलेशन आप सेलेक्ट करोगे उतना ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगा, ठीक है, उतना बड़ा वीडियो बनेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहां पे अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है रीस्टोर डिफॉल्ट। दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के फोन का जो कैमरा है उसकी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि यार फोन का जो कैमरा है उसका सेटिंग कैसे हम ठीक करें, क्योंकि जो पिक्चर्स आते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि यार हम पहले की तरह अपने फोन के कैमरे की सेटिंग को कैसे करें, ठीक है। तो सिंपली आपको यहां से ये जो रीस्टोर डिफॉल्ट है आपको इस पे क्लिक करके सारे सेटिंग को रिस्टोर कर देना है, ठीक है। दोस्तों आपका जो सेटिंग है वो पहले की तरह हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो जाएगा, आपको इस चीज का ध्यान देना है। सिर्फ आपको इतना काम करना है दोस्तों, आप अपने फोन से काफी अच्छा फोटो खींच सकते हो, काफी अच्छा वीडियो बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको इतना फीचर यूज करना है। अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो सेल्फी पे आप एक चीज यूज कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। यहां पे हम सेल्फी कैमरे को ऑन करते हैं, आपको यहां पे एक फिल्टर मिलेगा, ठीक है, जिससे आप शार्पनेस को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। जैसे यहां पे आप देख सकते हो इस टाइम पे मेरे फेस पे शार्पनेस यहां पे ज्यादा है, जिससे जो सेल्फी है वो काफी क्लीन आ रहा है। आप यहां पे देख सकते हो ये फुल है, ठीक है, स्मूथनेस काफी फुल है, लेकिन यहां पे अगर हम इसको कम करते हैं तो आप देख सकते हो फेस पे जो शार्पनेस था, स्मूथनेस था, वो कम हो चुका है, ठीक है। काफी सारे लोग इसको यूज नहीं करते हैं, उनके फोन का जो सेल्फी है वो अच्छा नहीं आता है। दोस्तों आपको इस स्मूथनेस वाले फीचर को यूज करना चाहिए। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपके फोन से जो सेल्फी आएगी वो काफी क्लीन आएगी, ठीक है। मैं आपको सेल्फी दिखा देता हूं,
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने शार्पनेस यानी स्मूथनेस को बढ़ा के सेल्फी लिया है, तो जो स्क्रीन का ट्यूनिंग है काफी जबरदस्त है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह दोस्तों आप शार्पनेस को बढ़ा के काफी अच्छा सेल्फी खींच सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी चीजें यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये फ्रेम जो है इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपको फ्रेम मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे फ्रेम दिए गए। अगर आप फुल करना चाहते हो तो आपको फुल पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो आपका जो कैमरा है काफी जबरदस्त लग रहा है। इस तरह आप इसको भी सेट कर सकते हो। आपको इसको पहले की तरह करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा जो कैमरा है वो पहले की तरह हो चुका है। इस तरह गाइस आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो, सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।